नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जमीन दाखिल खारिज मामले को लेकर लगातार चर्चा होती रही है। हालांकि अब तक जब भी आप दाखिल खारिज का काम करवाने जाते होंगे तो सीओ के पास जाना होता होगा, लेकिन जल्द ही इस व्यवस्था में बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह की माने तो विभाग इस बात पर विचार करेगा कि दाखिल खारिज का जिम्मा अंचलों में तैनात राजस्व अधिकारियों को दे दिया जाए। वर्तमान समय में ये अंचलाधिकारी के जिम्मे है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंचल अधिकारी के कार्यालयों में भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें दाखिल खारिज को लेकर ही आती है। इसको लेकर सरकार भी लगातार परेशान ही नजर आई है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह है कि व्यवस्था को ऑनलाइन किए जाने के बाद भी समस्या पूरी तरह दूर नहीं हो रही है। इसको लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह महत्वपूर्ण जानकारी हाल ही में अधिकारियों को एक कार्यशाला में दी है। इसमें मध्य प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए थे। ज्ञात हो, सरकार मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में भूमि सुधारों से प्रेरणा लेकर ही राज्य में व्यवस्था बदलने की तैयारी कर रही है। अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में नायब तहसीलदार, तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार के पद है। ये अधिकारी दाखिल खारिज के अलावा विवादित बंटवारा का काम देखते हैं। यह एक ऐसा राज्य है जहां बंटवारा के विवादों का निपटारा अधिकतम 6 महीने में होता है। इसके खिलाफ SDO, कलेक्टर और आयुक्त के कोर्ट में अपील की जाती है। बिहार में बंटवारे के विवाद में निर्णय देने का अधिकार भूमि सुधार अपस्माहर्ता को है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि कम से कम समय में बंटवारे के मामले में निर्णय देने के लिए भी सुधारात्मक उपायों पर विचार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार जमीन के मामले में मध्य प्रदेश की तर्ज पर कई बदलाव करने की तैयारी में है। इसमें से यह भी है कि अब जमीन के स्वरूप में बदलाव का अधिकार SDM के साथ ही DCLR को भी दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि दाखिल खारिज को म्यूटेशन भी कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी जमीन को इनाम में दे देता है या उसे दान या बेच देता है तो दूसरा व्यक्ति उसको अपने नाम पर सरकारी रजिस्टर में करेक्शन स्लिप जारी कर जमीन अपने नाम पर करवाता है। यानी कि दाखिल खारिज के अंतर्गत बिहार लैंड रिकॉर्ड में एक व्यक्ति का नाम हटाकर दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ना होता है। अब भूमि कर यानी कि लगान दूसरे व्यक्ति से वसूला जाएगा। इसी प्रकार से बिहार दाखिल खारिज अधिनियम के अनुसार बिहार नामांतरण में कृषि भूमि को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है, जिसे हम आसान भाषा में दाखिल खारिज करते हैं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।